थोड़ी देर बाद रणविजय किचन से खाना बनाकर ऊपर पहुंचा। उसने बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि टीना रेड रोज का बुके अपने हाथों में लेकर बेड के बीच में बैठी है। उसके मखमल से मुलायम गाल और गुलाबी होंठ उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रहे थे। पहली बार किसी ने मुझे इतने फ्लावर्स दिए हैं, वाओ, टीना ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा। रणविजय ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हें फ्लावर्स बहुत पसंद है और तुम्हें खुश करना इतना आसान है। बस कुछ फूल लाकर दे दो और तुम खुश। तुम मुझसे कहती क्यों नहीं, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, ज्वेलरी, गाड़ी, जो कुछ भी तुम मुझसे मांग सकती हो, लेकिन तुम कभी नहीं कहती। तुम और सबसे बिल्कुल अलग हो। रणविजय की बातें सुनकर टीना हंस पड़ी। मेरे पास पूरा का पूरा आदमी है और अब मुझे क्या चाहिए। मैंने तुमसे शादी की है, मेरे पास तुम हो, तुम्हारी हर चीज पर मेरा आधा हक है, मेरी पूरी जिंदगी अब तुम्हारे साथ ही बीतने वाली है, तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। दौलत, पैसा, ज्वेलरी, ये सब तो मैं खुद भी हासिल कर सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए इन सबसे ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो। अब तक रणविजय टीना के बेहद करीब आ चुका था। उसने अपने होठों को टीना के होठों पर टिकाकर चूमना शुरू कर दिया था। टीना ने भी उसे अपनी बाहों में जकड़कर खुद की ओर करीब खींच लिया ताकि उसे अच्छे से किस कर सके। दोनों के होंठ मिलते ही दोनों पर अलग ही नशा छाने लगा था। टीना नीचे थी और रणविजय उसके ऊपर लेटकर उसे चूमे जा रहा था। दोनों एक दूसरे को चूमने में इतने मशगूल थे कि टीना की टॉप कब उसके बदन से हटकर नीचे जमीन पर चली गई उसे पता ही नहीं चला। रणविजय ने जैसे ही टीना की शर्ट का बटन खोलना शुरू किया, टीना ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। रणविजय रुक गया। उसने टीना का मुंह अपनी तरफ करते हुए कहा, तुम अभी नहीं करना चाहती क्या। टीना ने भी रणविजय से यही सवाल पूछ लिया। रणविजय, देखो टीना, मैं तो सिर्फ तुम्हारे हाँ का इंतजार कर रहा हूँ, टीना ने थोड़ा कश्मकश से कहा। रणविजय, मैं अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ ही स्पेंड करना चाहती हूँ, लेकिन इस चीज के लिए ना जाने क्यों अभी मेरा दिल नहीं मान रहा। रणविजय तुरंत रुक गया और फिर वो टीना के बगल में लेट गया। वो नहीं चाहता था कि सिर्फ उसकी मर्जी से ही वो ये सब करे। टीना ने रणविजय की छाती पर अपना सिर रख दिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि तुम आज वो लाए हो तो जरूरी करोगे। रणविजय ने चौंकते हुए कहा, क्या। रणविजय का दाहिना हाथ टीना के सिर पर था और उसका बायां हाथ टीना की पीठ पर था और वो उसे सहलाए जा रहा था। टीना ने पिलो के नीचे हाथ डालकर ड्यूरेक्स का पैक निकाला और रणविजय के आगे रख दिया। ये तुम ये लेकर आए थे तो मुझे लगा कि तुम आज करने वाले हो, मुझे बहुत डर लग रहा था। रणविजय ने ड्यूरेक्स के पैक की तरफ आश्चर्य से देखते हुए कहा, इसे मैं नहीं लाया। टीना ने शर्माते हुए खुद को कंबल में छुपा लिया। रणविजय ने उसका कंबल हटाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, इतनी शर्माने वाली बात नहीं है। रणविजय ने टीना को अपनी बाहों में भर लिया। अच्छा ठीक है, टॉपिक चेंज करते हैं, तुमने मैगजीन फोटोशूट के लिए हाँ कह दिया ना। क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं यूसुफा से हार जाऊंगी। टीना ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा। अगर तुम्हें शूट के लिए अमेरिका जाना है तो मुझे बताओ, रणविजय ने टीना से कहा। क्यों, तुम क्या करने वाले हो, टीना ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए पूछा। दरअसल रणविजय ने पहले ही टीना की टांगों का इंश्योरेंस कराने का सोचा था और इसके लिए यूएस से अच्छी कोई जगह नहीं थी, वहां आसानी से अच्छी इंश्योरेंस कंपनियां मिल जाती हैं। हम दोनों ने साथ में प्रॉमिस किया था ना, इस घर से बाहर निकलने के बाद तुम एक कंपनी के मालिक हो और इस इंडस्ट्री के किंग हो और मैं एक मॉडल, लेकिन हम एक दूसरे के काम के बीच कभी नहीं आएंगे। तो मिस्टर रणविजय, क्या मैं कभी आपके काम के बीच आई, टीना ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा। आज तक टीना को पीजी ग्रुप और प्रणय की वजह से कितनी भी दिक्कत क्यों ना झेलनी पड़ी हो, लेकिन उसने कभी भी रणविजय से इस मामले में कोई मदद नहीं मांगी थी। वो जानती थी कि पीजी ग्रुप और प्रणय को बर्बाद करना रणविजय के लिए चुटकियों का खेल है, फिर भी उसने कभी उसकी मदद नहीं ली। टीना जानती थी कि रणविजय उसकी इच्छाओं का पूरा सम्मान करता है, इसी वजह से वो उसके साथ अपनी लाइफ का एक एक पल बिताना चाहती है। प्रणय मुझे और यूसुफा को एक साथ इसलिए लाना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से मैं यूसुफा के खिलाफ कुछ भी नहीं करूंगी, और इससे तभी रणविजय ने टीना की बात बीच में ही काटते हुए कहा, इससे तुम्हारी पॉपुलैरिटी का फायदा यूसुफा को भी होगा और फिर तुम्हारी सीढ़ी चढ़कर वो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करेगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, टीना ने रणविजय की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ,
टीना के चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती थी। उसने रणविजय की बाहों में खुद को छिपा लिया और जल्द ही वो नींद में आ गई। इसी बीच रणविजय ने अपने रौनित को कॉल किया। सीक्रेट मैगजीन के शेड्यूल की डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके मुझे दो और जिस टाइम टीना को वहां जाना है उसी टाइम मेरा भी अमेरिका का शेड्यूल फिक्स करो। और हाँ, यूएस की बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करो। अगले दिन सुबह ही टीना अपने मैनेजर रोमा और रितिका के साथ पीजी ग्रुप के ऑफिस पहुंच गई। इसी वक्त यूसुफा भी अपने मैनेजर के साथ पहुंची थी। उसे देखकर कंपनी के सभी वर्कर्स उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे, जबकि टीना को सभी इग्नोर किए जा रहे थे। यूसुफा ने पहले टीना के पीछे खड़ी रोमा को ध्यान से देखा और फिर बोली, टीना उससे बच के रहना, उसने पहले भी अपने मालिक को बर्बाद कर दिया था। मैंने जब उसका सामना कर लिया जो कि दूसरे के फियांसे को चुरा ली गई हो, तो फिर मैं एक मैनेजर से क्यों डरूंगी, वो क्या कर लेगी मेरा, टीना ने यूसुफा की तरफ देखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। टीना तुम कितनी भी फेमस क्यों ना हो जाओ, लेकिन तुम्हारी पॉपुलैरिटी मेरे ही काम आने वाली है। प्रणय ने तो तुम्हें बताया ही होगा कि तुम्हें मेरे साथ शूट करना है। तुम्हें पता है ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इससे मेरी पोजीशन अच्छी होने वाली है और टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स में भी मेरी जगह पक्की होगी, यूसुफा ने कहा। ओह, तब तो तुम्हें मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट, इसके बाद टीना ने वहां मौजूद कंपनी के स्टाफ मेंबर की तरफ देखते हुए कहा। कल मेरे लॉयर ने आकर पीजी ग्रुप के साथ मेरे कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें हैं वो प्रणय को क्लियर कर दी थी। सो पीजी ग्रुप ने मुझे वो रिस्पेक्ट और काम देने से अग्री किया था जो मुझे मिलना चाहिए। यूसुफा और मैं दोनों ही इस ग्रुप की मॉडल हैं, तो आप लोग जो इज्जत यूसुफा को देते हैं वही मुझे देनी होगी। अब से अगर आप लोग मेरे साथ अच्छे से पेश आओगे तो मैं भी आप लोगों को रिस्पेक्ट दूंगी, वरना आप लोग मुझे तो जानते हैं, टीना ने थोड़ा सख्त होते हुए कहा। अब स्टाफ मेंबर्स में से जिन्होंने भी थोड़ी देर पहले टीना को इग्नोर किया था उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सभी स्टाफ मेंबर्स तुरंत ही टीना को गुड मॉर्निंग विश करने लग गए। इसके बाद टीना यहाँ से निकल गई।